बालाओं संघ नेताजी ने लगाए ठुमके। सीवान में जेडीयू के पूर्व एमएलए श्याम बहादुर ऑर्केस्ट्रा में छोटे कपड़ों में नाच रही डांसर के साथ जमकर थिरके, बोले ये तो कला है। पीएमसीएच में गोद में बेटे को लेकर दौड़े पिता। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल का हाल, इमरजेंसी से बच्चा वार्ड तक जाने के लिए न ट्रॉली मिली और न ही एम्बुलेंस। मोतिहारी में शराब के नशे में धुत सरपंच पति गिरफ्तार। पुलिस को गश्ती के दौरान सड़क पर पड़ा दिखा व्यक्ति, पूछताछ करने पर निकला सरपंच पति। मेडिकल जांच में शराब पीने की हुई पुष्टि, भेजा जा रहा जेल। मुजफ्फरपुर में वायरल फीवर के बीच फिर आया चमकी बुखार का मामला। सीतामढ़ी के एक बच्चे में AES की पुष्टि। लालू नहीं चाहते थे सांसद बने सदानंद बाबू। भागलपुर में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा, सदानंद बाबू की सांसद बनने की बहुत इच्छा थी लेकिन आरजेडी के कारण नहीं बन पाए। पटना पुलिस से सावधान, मोबाइल चोरी का मामला दर्ज कराने गए टीचर की पुलिस ने कर दी थुनाई। अब अफसर मांग रहे पिटाई का सबूत। SSP से पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। आरजेडी का विस्तार करने झारखंड पहुंचे तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। यूनाइटेड बिहार के विकास पर दिया जोर। समस्तीपुर में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म, मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर 4 युवक को किया गिरफ्तार। बगहा में अधेर को पीट पीट कर किया अधमरा। 5 साल पहले खेतों में पानी डालने को लेकर हुआ था विवाद, दूसरे पक्ष के लोगों ने मार मार कर किया अधमरा, दोनों हाथ पैर तोड़ दिए। समस्तीपुर में खेत से मिला युवक का शव, मृतक प्रभाकर के शरीर पर जगह जगह कटे के पाए गए निशान। बीते साल हुई थी भाई दिवाकर की हत्या। बरसात में बच्चों के पेट के कीड़ों के लिए अभियान, 21 सितंबर तक बिहार के 2.16 करोड़ बच्चों को खिलाई जाएगी दवाई। 13 जिलों के 3,606 स्कूल चिन्हित। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा ऐलान, अब हर माह की 21 तारीख को मनेगा परिवार नियोजन दिवस। इस दिवस पर सभी चिकित्सा संस्थानों पर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। पटना और सीवान के पंचायतों में आरक्षण सूची में गड़बड़ी पकड़ने के बाद रोस्टर में हुआ बदलाव। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने रोस्टर बदलने का दिया निर्देश। सीवान में ट्रक ने बाइक सवार माँ बेटे को कुचला, माँ की मौत बेटा गंभीर। डॉक्टर से मिलने जा रहे थे दोनों, आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में ठनका गिरने से 2 लोग घायल, घर में सो रहे लोगों पर गिरा ठनका, 2 घायल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, हजारों की संपत्ति भी क्षतिग्रस्त।